दोस्तों किस तरह से हमारा जो बिजनेस है उसको एक नई ऊंचाइयों तक तो पहुंचाया जा सकता है एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए। सो आज के इस वीडियो में हम इसी में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों मैं हूं मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिजनेस आइडिया। सो दोस्तों बिजनेस की बात होती है हर हफ्ते जो मैं आपको एक नई चीज जो बात करते हैं बिजनेस आइडिया देता हूँ। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना हमारे घर से चला रहे हों या फिर हमारे शॉप से चला रहे हों, हमारे फैक्ट्री से चला रहे हों, किसी भी जगह से जो है अपने बिजनेस को चला रहे हों, लेकिन उसको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसको हम किस तरह से जो है और ऊंचाइयों पे बहुत कम जो मेहनत के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो आगे जा सकते हैं, हमारे जो टर्नओवर को बहुत डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो सो दोस्तों यहाँ बात आती है मार्केटिंग की, क्योंकि बिजनेस जो अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है XYZ उसको अगर हम मार्केट में बेचते हैं, चाहे वो हमारी रिटेल शॉप से बेचें, चाहे हम होलसेल में बेचें या फिर हम जो है पूरा हमारे घर से बेचें प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ बात आती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग यानी कि अगर किसी को पता ही नहीं होगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। सो दोस्तों यहाँ जो है बात आती है कि मार्केटिंग करनी कैसे है। सो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मार्केटिंग वो होती है जब हम जो है बहुत कम मेहनत में और कम समय में जो है मेहनत करके और ज़्यादा टर्नओवर हमारा जो बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों इसमें जो है पहला जो एक तरीका है वो ये है कि हम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी एक ऑनलाइन जो है एक वेबसाइट बनाएं, उसकी एक एप्लीकेशन बनाएं और जो है हमारी पूरी वेबसाइट को SEO वगैरह करवाएं, उसको प्रमोट करवाएं, सोशल मीडिया पे प्रमोट करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और साथ ही साथ जो है एड वगैरह देके उसको प्रमोट करें। तो वो चीज़ हो गई एक। लेकिन यहाँ पे जो है आपको पैसा, टाइम और आपका जो ब्रांड है वो शायद उतना ज़्यादा आप कवर एरिया ना कर पाए, यानी कि आपका जो ब्रांड है वो इतना ज़्यादा मार्केट में नोन ना हो पाए, ये एक चैलेंज रह जाएगा। सो यहाँ पे आज हम बात करते हैं कि इसको जो अगर इन सब चीज़ों के बिना जो है हम ऑनलाइन हमारा प्रेजेंस जो है एक पूरे पैन इंडिया के अंदर किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों इसके लिए जैसे कि मान लेते हैं अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है या फिर और भी बहुत सारी वैसे वेब पोर्टल्स हैं जो कंटिन्यू मार्केटिंग अपनी करते रहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये जितने भी पूरे पोर्टल्स हैं ये अपना इनका कोई भी खुद का प्रोडक्ट नहीं है और ये अपने खुद के प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो इनके पास प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके और मेरे जैसे जो सेलर हैं उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, उनके वेबसाइट पे दिख रहे हैं और वहीं से जो है वो उसको सेल कर रहे हैं, और जो है अब हमारे प्रोडक्ट्स में से जो हमने रेट डिसाइड करें उसी में से एक एक्स कमीशन जो है, एक छोटा सा कमीशन का अमाउंट रख के जो है अपने इतने बड़े बड़े पोर्टल्स चला रहे हैं और जो है कंटिन्यू मार्केटिंग खुद की कर रहे हैं टीवी पे, एड्स में, ऑनलाइन एड्स में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे ये जितने भी पोर्टल्स हैं वो कंटिन्यू जो है मार्केटिंग करते रहते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा वो मार्केटिंग का जो खर्च है वो जो हो जाता है बच। सो ये मार्केटिंग का खर्च भी बच जाता है और साथ ही साथ हमारे जो प्रोडक्ट की जो है रेंज जो है पहुँचने की वो पूरे पैन इंडिया में फैल जाती है। तो यानी कि अगर हमारा एक भी प्रोडक्ट वहाँ पे जो लग गया और वो हमने आगे पूरा अगले आने वाले वीडियोस में मैं वन बाई वन जो है आपको सारी डिटेल में बताएंगे, एक एक प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारा स्क्रीन पूरी रिकॉर्ड कर करके आपको दिखाऊंगा। सो आज जो है ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि आपको स्टेप्स क्या करने होते हैं। सो दोस्तों ये जैसे ही हमारा उस पर प्रोडक्ट जो है वो चले जाते हैं तो हमारी एक जो रीच है पूरे पैन इंडिया हो जाती है और ऐसे में पूरे पैन इंडिया से जो है हमारे पास ऑर्डर्स आने लगते हैं और स्लोली ग्रेजुअली जो है हमारा बिजनेस जो है कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं जो है एक प्रोडक्ट
स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा बताता हूँ कि किस तरह से आप जो अपना बिजनेस है वो यहाँ पे रजिस्टर करा के अपना जो रीच है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप सेल कर सको, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, कपड़े वगैरह हो, या कोई ज्वेलरी आइटम्स हो, एक्स वाई जेड कुछ भी गिफ्ट आइटम्स वगैरह हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। सो आपके पास एक मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कुछ भले ही दो दो पीस हैं या चार चार पीस हैं, 10 पीस हैं मैं बोलता हूँ, वो प्रोडक्ट की आपको करना क्या है, फोटो क्लिक करनी है और अपने पास रख लेना है। सो आपको इन वेबसाइट्स पे जाना है, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो या कोई और हो। अब इन वेबसाइट पे जाके आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पहला आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, दूसरा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, तीसरा जो आपका पैन कार्ड, अगर आप इंडिविजुअली चला रहे हैं यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हैं तो आपका खुद का पैन कार्ड होना चाहिए, और अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड वगैरह चला रहे हैं तो आपकी कंपनी के नाम का पैन कार्ड जो है होना ज़रूरी है। सो जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हों तो आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन आपका बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका होता है उसके बाद आपको एक पैनल मिलता है जहाँ से आप जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे इन्वेंट्री अपलोड करते हैं, यानी कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आपको उनकी पूरी नाम क्या है, वो कितने में आप बेचने वाले हो, वो किस कैटेगरी का है, वो सारी डिटेल्स जो एक्स वाई जेड स्टेप बाय स्टेप वो पोर्टल्स आपको ऑटोमेटिकली पूछते जाएंगे, आपको सिर्फ उनके आंसर देते चलना है और आपके प्रोडक्ट जो है वन बाई वन जो है पूरा लिस्ट हो जाएगा। अब लिस्ट होने के बाद जो, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े लेवल के पोर्टल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सर्च करते रहते हैं नए नए प्रोडक्ट्स को, और वहाँ से वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। वहाँ से जब ऑर्डर कोई प्लेस करेगा, आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा, तो ऑर्डर कंफर्मेशन होने के बाद जो है वो ऑर्डर आपके पास आपके जो पैनल है उसमें आ जाता है। अब ऐसे में क्या करना है, आपको बस उस ऑर्डर को निकालना, देखना है कि उसमें कौन सा वाला आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हुआ है, तो वही प्रोडक्ट आपको अच्छे से इन्हीं के द्वारा जो पूरे पोर्टल्स के सभी पोर्टल्स का अपना अपना पैकिंग मटेरियल है वो भी आपको इनसे मंगा के रखना पड़ेगा। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको जो है पूरा अच्छे से उस प्रोडक्ट को पैक करना है और पैक करके इनवॉइस वगैरह उसमें डाल देनी है। उसके बाद आपको जो है कहीं जाके, अगर उसको खुद कोरियर करना चाहते हैं आप खुद भी कोरियर कर सकते हैं, नहीं तो इन सभी पोर्टल्स के खुद के लॉजिस्टिक हैं, यानी कि आप वो आपके घर से चला रहे हो तो घर से, अगर शॉप से चला रहे हो तो शॉप खुद आकर उनका वो जो एक मैन पर्सन है वो आपके घर तक, आपके शॉप तक आएगा, पूरे प्रोडक्ट्स जो आपके ऑर्डर आए हैं उनको कलेक्ट करेगा और जाके एंड कस्टमर को पहुंचा दिया जाएगा। और जैसे ही वहाँ पे वो कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँच जाता है, उसका कंफर्मेशन हो जाता है, और वो पेमेंट जो है अपना जो ये कमीशन काट के, जो पहले आप प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त ये आपको कमीशन जो है वहीं पे बता देते हैं, तो आपका वो खुद का कमीशन ये काट लेते हैं, तो बाकी का जो भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस। अब ऐसे में आपकी बहुत कम मेहनत लगती है, यानी कि आपको सिर्फ आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट्स चाहिए जो आप अपलोड करके सेल कर सकें, और आपको बस ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर अच्छे से पैक करना है और ये आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे अगर आपके क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आपको सिर्फ चीज़ एक का ध्यान रखना है, यहाँ ऑनलाइन में आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए, ताकि जो है कस्टमर बार बार आपके पास जो है आके प्रोडक्ट्स को खरीदे और वहाँ पे ऑर्डर आपके प्लेस करूँ, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है बहुत ही कम समय में जो आपका टर्नओवर है बिजनेस का वो बहुत ही ज़्यादा
बढ़ जाता है। सो दोस्तों, ये ऑनलाइन बिजनेस जो है, मतलब यानी कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर जो अपनी प्रेजेंस बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आजकल जो है जमाना डिजिटल होते जा रहा है और जो है ऑनलाइन शॉपिंग्स का तो आप देख ही रहे हैं। जिससे भी कोई त्यौहार आता है तो इन शॉपिंग वेबसाइट्स पे ना जाने कितने ऑर्डर वैसे भी चलते रहते हैं, लेकिन त्यौहार के समय में तो इन पे ऐसा एक लगता है कि बाढ़ आ गई है। और जितने भी सेलर्स हैं ये इन प्रोडक्ट इनके ऊपर, वो इतने ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करने लग जाते हैं कि उनको जो है फटाफट पैक करके जो है वापस रेडी रखने पड़ते हैं, ताकि इनके जो पर्सन है वो आके कलेक्ट कर लें। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और प्रोडक्ट्स को अच्छे से पैक करना है, और बाकी काम जो है ए से लेके जेड तक जो है ये पूरा का पूरा खुद ही कर देते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो आइडिया है अपने बिजनेस को डबल ट्रिपल जो अपनी इनकम करने का, टर्नओवर इंक्रीज करने का, अपने बिजनेस को एक नए लेवल तक लेके जाने का अच्छा लगा होगा। और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और आगे आने वाले समय में मैं आपको इन सभी पोर्टल्स के लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से अपलोड होते हैं और क्या क्या आपको करना होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है आपको पूरा कंप्लीट गाइड करूँगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम जो है बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।